नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हैं भवेश टेक्निक। दोस्तों आज हम सल्फास पोजन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों धान गेहूं को लंबा समय तक कीड़ा से बचाने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस पे आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट ये करना है कि इसको खाने से आदमी मर भी जाता है, तो खाने के बाद पेट में क्या रिएक्शन होता है उसको देखेंगे। क्योंकि दोस्तों पेट में पानी होता है, तो डायरेक्ट इसको हम पानी में अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पेट में ये कैसे कैसे करता होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ऐसे वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे, इसमें पानी देंगे और दोस्तों इसमें पानी दे करके दिखाएंगे आपको कि पानी में जाने के बाद ही कैसा रिएक्शन करता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल पानी क्लीन है। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन मैंने कर लिया हूँ दोस्तों। इसके अंदर एक रुई जैसा है कुछ। इसको दोस्तों हाथ से नहीं छूना चाहिए, एक पोजन होता है। हम कोई इसको हम निकाल देते हैं। अब डायरेक्ट खोली इसमें ऐसे करके देते हैं। देखिए आप, एक मैंने दिया, एक और दे देते हैं। तीन तीन गोली मैंने दे दिया हूँ दोस्तों। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। अब देखिए कैसा रिएक्शन कर देता है दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। ये देखिए बाप रे बाप दोस्त, ये जानलेवा बास आ रहा है दोस्तों। इतना गंदा बास मैंने कभी नहीं सुना दोस्तों। हम थोड़ा मोबाइल से दूर हो जाते हैं दोस्तों। आप देखिए वीडियो का रिएक्शन क्या होता है दोस्तों। ये देखिए कैसे कैसे करता है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों बब्बल टाइप का निकल के आ रहा है इसमें, और ये बहुत तेज़ी से घुल रहा है दोस्तों। ये देखिए रिएक्शन, बहुत गंदा बास आ रहा है दोस्तों। ऐसा कि खतरनाक बास हम कभी नहीं सूंघे। इसको तो आदमी सूंघने से मर सकता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्या है माय गॉड, पूरा एकदम बबल पे बबल छोड़े जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा होता होगा दोस्तों जब कोई गुस्सा से जहर खाता होगा तो पेट में इसी तरह से होता होगा और दर्द से ही मर जाता होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों 10 मिनट के बाद पूरा शांत हो गया है। अब इसमें कोई बबल उबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है। ये लगता है घुल गया है पूरा तरीके से। अभी भी दोस्तों घुला नहीं है पूरा। ये देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। अब इसको तो पकड़ना भी मुश्किल है। निकाल के दिखाते हैं दोस्तों क्या हुआ है। 10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं इसको। ये देखिए दोस्तों अभी भी पूरा घुला नहीं है पूरा तरीके से। इसीलिए कोई कोई डॉक्टर इसको निकाल भी देता है उल्टी करा करा करके। ये देखिए इसके अंदर छेद हो रखा है छोटा छोटा। अभी भी पूरा तरीके से घुला नहीं है। इसको घुलने के लिए और समय चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छा रिएक्शन था दोस्तों इसका। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।